की खुसूसी गुजारिश है, आप लोग होटलों में बैठना, होटल बंद है तो भी पान के डब्बे के पास छुप के रहना, उसके बाद क्या चल रहा देखने आना, हंसी मजाक करना, बाइकों में भागना, अरे भाई अल्लाह से डरो। जब अल्लाह ताला ही जो है आज पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ, मक्का मदीना बंद होने की हालत हो गई, 14 साल में कभी नहीं हुआ, इस तरीके के हालात में अगर तुम लोग इस तरीके की चीजें करेंगे, आपको कोई चीज हो गई, आपके माँ बाप को होती, वालिदैन, उसके बाद आपके भाई बहन को होती, उसके बाद बच्चों को होती। मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को घर में किसी को हुआ, उनको लेके जाके दवाखाने में डाल देते, 14 दिन तक आप मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते उनको। मेहरबानी करके समझिए आप लोग, आज पूरी गवर्नमेंट ने पूरा वर्ल्ड परेशान है, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स बात कर रहे तो कुत्ता काटा भोंक रहे या कुछ तो भी पागल हो गए, कहीं को बात कर रहे, आप लोगों के लिए बात कर रहे, आपकी हिफाजत के लिए बात कर रहे। आज हमारे हिंदुस्तान को बचाना है, आज हमारे हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान की आवाम का सवाल है, एक सच्ची ईमानदारी दिखाने का ये आज हमारे को वक्त आ गया है। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, अच्छे काम करिए, आपके महल्ले में कोई गरीब के पास खाना नहीं है उनकी जाके मदद कीजिए, उनको कोई चीज की जरूरत है, किसी के पास मास्क नहीं है मास्क लेके जाके दीजिए, किसी के पास साबुन नहीं है हाथ धोने के लिए साफ रहने के लिए उनको लेके जाके मदद करिए। लेबर का काम बंद हो गया लॉकडाउन के तरफ से, गरीब लोग परेशान है, आप जाके उनकी मदद करिए। यहाँ के बिजनेसमैन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो गांव में थोड़ा रिच लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आप रमजान आए तक मत ठहरो, रमजान में सदका करते खैरात करते वो करते, भाई आपका जो भी रमजान का भी जो करने का है आपको और या कोई भी दूसरी चीज करने का है तो अभी करिए, आप आज से शुरू करिए। देखो अल्लाह ताला को आप किसी और की मदद करें तो ये चीज ज्यादा पसंद आएंगी। यहाँ के नौजवान बच्चे इधर उधर फिर रहे तमाशा कर रहे, मत करिए भाई, कौम की इज्जत जा रही अपनी इज्जत जा रही, ये बहुत जानलेवा बीमारी है। मेहरबानी करके आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं समझिए, मैं तमाम माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को, अपने वालिदैन, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिए, बाहर आने खत्ता ही मत दीजिए, आपको बहुत ही अगर अहम काम है तो बाहर आइए, महलों में चबूतरे पे मत बैठो, रात में पुलिस की गाड़ी आते भाग जा रहे, तमाशा कर रहे, नॉनसेंस कर रहे, पुलिस वाले मारने को आ रहे बोल रहे, उनके ऊपर गुस्से में आने, अरे किसके लिए नौकरी कर रहे भाई, उनके भी बीवी बच्चे है, आज RDO साहब आके ठहरे हुए, पुलिस वाले ठहरे हुए, आपकी हिफाजत के लिए है, यहाँ दवाखाने में रात दिन काम कर रहे आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए आपके लिए, पूरी दुनिया परेशान है, हजारों लाखों जाना चले गए, आज अगर ये चीज अगर ज्यादा हम में फैल गई तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मेहरबानी करके आप लोग समझिए, इसका हंसी मजाक उड़ाने की बात नहीं है, अल्लाह से दुआ करो कि ये बीमारी से हमको बचाए।